Dear students, today we will learn about the light independent or dark reaction of the photosynthesis. It's called light independent or dark reaction because it does not require the light energy directly. But recent studies have shown that many enzymes of dark reaction are activated by the light. Dark reaction occurs in the stroma. हमने light reaction पढ़ा है. Light reaction में ये granum है. यहां granum में light reaction हुआ था और यहां पर बने थे adenosine triphosphate यहां पर और NADPH2. ये energy carrier molecules, they are produced during the light reaction और अभी ये diffuse हो रहे हैं from the granum to the stroma और stroma के अंदर यहां पर enzymes present for the dark reaction. यहां पर 13 total reactions हैं and 11 enzymes यहां पर मौजूद है जो carry on करते हैं dark reaction. Dark reaction also known as Calvin cycle. Calvin is the discoverer of the cycle. Then dark reaction also known as the C3 cycle or C3 pathway because इस reaction के दौरान first stable sugar जो बनती है वो triose sugar है, तीन कार्बन है, hence known as C3. This cycle is also known as the Calvin-Benson cycle. Calvin is the discoverer and Benson is the co-worker. Then this cycle is also known as the reductive pentose phosphate cycle. क्योंकि इस cycle के दौरान carbon dioxide is reduced and ribulose bisphosphate pentose sugar है वो regenerate हो रही है तो hence known as the reductive pentose phosphate cycle. ये dark reaction is divided into three phases. First phase is the carboxylation. Carboxylation, it is the first and key reaction of the cycle. Then carboxylation में क्या हो रहा है? Three molecules of carbon dioxide and three molecules of ribulose bisphosphate. This is the pentose sugar. ये carbon dioxide combine हो रही है pentose sugar के साथ और यहाँ पर reaction is catalyzed by the enzyme. Enzyme is known as the Rubisuko. यहाँ पर ये Rubisuko enzyme carbon dioxide को इस pentose sugar के साथ add किया है तो यहाँ पर Rubisuko enzymes as carboxylase और यहाँ पर बन रहे हैं three molecules of 6 carbon compound के ये तीन molecules हैं one, two, three और हर एक के अंदर कार्बन 6 है 1 2 3 4 5 6 तो ये तीन मॉलिक्यूल्स बने 6 कार्बन कंपाउंड के और ये 6 कार्बन कंपाउंड जो बना है ये है यहां पर अनस्टेबल है एंड इसके साथ-साथ ये इंटरमीडिएट है ये क्विकली एक-एक मॉलिक्यूल दो में डिवाइड हो रहा है इससे भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे इससे भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे इससे भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे तो आगे चलकर ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ट्रायोल शुगर के और वो ट्रायोल शुगर दैट इज नोन एज द 3PGA ये 3PGA 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड आल्सो नोन एज 3 फास्फोग्लिसरेट
ये फर्स्ट स्टेबल शुगर है थ्री कार्बन की, इसीलिए इसे कहा जाता है C3 साइकिल, राइट। यहां पर साइकिल में दिस इज द कार्बोक्सिलेशन, दिस इज द रिडक्शन, दिस इज द रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में रूबिस कोएंजाइम इन्वॉल्व है, यहां पर थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट, वन फॉस्फेट ऑन कार्बन नंबर वन एंड सेकंड फॉस्फेट ऑन कार्बन नंबर फाइव, दिस इज द फॉस्फेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रही है इस पेंटोज शुगर के साथ और यहां पर बन रहे हैं छह मॉलिक्यूल थ्री कार्बन कंपाउंड के, दैट इज नोन एज द थ्री पीजीए और ऑल्सो नोन एज द थ्री फॉस्फो ग्लाइसरेट, और दिस फॉस्फेट ऑन द कार्बन नंबर थर्ड, राइट। देन यहां पर क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एड हुआ है पेंटोज शुगर के साथ और यहां पर छह मॉलिक्यूल बने हैं ट्राइओज शुगर के और ट्राइओज शुगर दैट इज द थ्री पीजीए एंड दिस स्टेज इज नोन एज द कार्बोक्सिलेशन। सेकंड फेज इज रिडक्शन। रिडक्शन में फर्स्ट फेज में जो 3PGA प्रोड्यूस्ड, दिस 3PGA इज रिड्यूस्ड टू G3P। यहां पर हमने फर्स्ट फेज पर पढ़ा था कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन में सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA आर प्रोड्यूस्ड। अभी ये 3PGA के सिक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिड्यूस होंगे और यहां बनेगा G3P ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। लेकिन ये होता है टू स्टेप्स में, अकर्स इन टू स्टेप्स, टू स्टेप्स। स्टेप वन में सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA रिएक्ट्स विथ सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, यहां पर फास्फोरिलेशन होगी और यहां पर बनेंगे सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फो ग्लाइसरेट एंड प्लस सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहां पर फर्स्ट स्टेप में फास्फोरिलेशन में यहां पर 3PGA रिएक्ट्स विथ सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, यहां पर प्रोड्यूस हुए सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फोरिलेशन हुई। यहां पर ये जो शुगर बनी है अभी कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर थ्री पे फास्फेट आ गया है, इसीलिए कहा जाता है 1,3 बिसफॉस्फो ग्लाइसरेट। देन स्टेप नंबर टू में, स्टेप टू में ये सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, सिक्स मॉलिक्यूल्स 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट रिएक्ट्स विथ सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH+HIN and they will produce six molecules of G3P plus six molecules of NADPH
DP oxidized plus 6 inorganic phosphate. तो यहां पर रिडक्शन हुई इस ट्रायोज शुगर में, और रिडक्शन के बाद यहां पर ये शुगर प्रोड्यूस हुई 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. यहां पर सेकंड स्टेप में ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ बिस फॉस्फोग्लाइसरेट रिएक्ट्स विथ NADP H plus H ion, and here 6 molecules of NADP oxidized and 6 inorganic phosphate produced. और यहां पर हमें 6 molecules मिले glycer aldehyde 3 phosphate के, right? यहां पर reduction हुई और ये sugar triose sugar produce हुई. अभी ये glycer aldehyde 3 phosphate के कुछ molecules ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये ट्रायोज शुगर है, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट. इट इज आल्सो द ट्रायोज शुगर. दोनों के दोनों ये ट्रायोज शुगर है, राइट? तो उसी तरह ये दोनों के दोनों ट्रायोज शुगर, ये 6 मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स इस ट्रायोज शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो दोबारा इसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं. तो यहां पर ये इंटर कन्वर्टेबल है. यहां पर थर्ड फेज इज रीजनरेशन. रीजनरेशन में राइबुलोज बिसफॉस्फेट इज रीजनरेटेड टू कंटिन्यू द साइकिल. देन ये रीजनरेशन दैट्स completed through the series of reactions in which 4, 5, 6, and 7 carbon compounds or sugars produced. Finally, ribulose bisphosphate regenerated. Yes, regeneration may about 5 to 11 enzymes are involved. Yahan par ye reaction mein 5 molecules of G3P reacts with 3 molecules of adenosine triphosphate, और ये बनाते हैं 3 molecules of ribulose bisphosphate plus 3 molecules of adenosine triphosphate plus 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. यहां पर ये रीजनरेट हुई है राइबुलोज बिसफॉस्फेट. यहां पर साइकिल में जो 6 मॉलिक्यूल्स बने थे G3P के, उनमें से 5 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ये 5 मॉलिक्यूल्स G3P के, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहां पर बन रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट, और ये 3 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो यहां पर जो 6 मॉलिक्यूल्स बने थे ट्रायोज शुगर के, उसमें से 5 मॉलिक्यूल्स ने जो है वो रीजनरेट किया है राइबुलोज बिसफॉस्फेट को. नाउ इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट ये रिएक्ट करते हैं आपस में. यहां पर ये 3 मॉलिक्यूल्स और ये 3 मॉलिक्यूल्स. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
three molecules of ribulose bisphosphate, they will produce six molecules of triose sugar, or what triose sugar is glyceraldehyde 3-phosphate. Six molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Is tara in six molecules may say five molecules of glyceraldehyde 3-phosphate, they regenerate the ribulose bisphosphate. Ye six may say five molecules regenerate kar rahe hain pentose sugar ko. To yahan par ye six molecules glyceraldehyde 3-phosphate ke jo produce hue hain, inme se five molecules G3P, they regenerate the ribulose bisphosphate pentose sugar. Then one molecule five may say G3P ka ye ya to re-enter hoga cycle mein. यहां पर ये वन मॉलिक्यूल जो बचा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट का, ये या तो री एंटर होगा साइकिल में, या तो ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोज शुगर स्पिन ऑफ होगा फ्रॉम दी केल्विन साइकिल, और ये वन मॉलिक्यूल जो स्पिन ऑफ हो रहा है ये है आउटपुट, ये हमारा आउटपुट. तो ये वन मॉलिक्यूल जो स्पिन ऑफ होगा ये या तो स्टार्च बनाएगा या तो ये सुक्रोज बनाएगा, राइट. लेकिन इससे पहले ये ग्लूकोज बनाएगा. इस तरह G3P के जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे से उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स बनाएंगे डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट, दिस इज आल्सो द ट्रायोज शुगर, और इसी तरह ये दोनों के दोनों शुगर्स आपस में जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, राइट. यहां पर सेम बात, सिक्स मॉलिक्यूल्स जो ट्रायोज शुगर के बने हैं उनमें से फाइव मॉलिक्यूल्स रीजनरेट कर रहे हैं पेंटोज शुगर को, और वन मॉलिक्यूल ये हमारा आउटपुट है. ये वन मॉलिक्यूल जो है वो या तो रीएंटर होगा साइकिल में, या तो ये मॉलिक्यूल जो है वो स्पिन ऑफ होगा और आगे चलकर या तो स्टार्च बनाएगा अगर क्लोरोप्लास्ट में है, या तो सुक्रोज बनाएगा अगर साइटोसोल में है, राइट. अभी हमने ये देखना है हाउ मेनी ATP के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए हैं. तो टोटल ATP के मॉलिक्यूल यहां पर जो कंज्यूम हुए हैं ATP, सिक्स मॉलिक्यूल्स हेयर एंड थ्री मॉलिक्यूल्स हेयर, टोटल ATP कंज्यूम्ड 9. देन साइकिल के अंदर टोटल NADPH2 कंज्यूम्ड दे आर 6 नंबर. इसको हम NADPH2 या NADPH+HIN भी लिख सकते हैं, दे आर कंज्यूम 6, ये 6 कंज्यूम हुए हैं. जिस तरह हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा है ATPs दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे, एंड NADPH2 प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग दी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे. क्यों के लाइट रिएक्शन के दौरान ATP की प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा हो रही है, क्यों के डार्क रिएक्शन में ATP की जरूरत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू NADPH2. यहां पर हमने टर्म यूज किया है बिस एज इन बिसफॉस्फेट. और दूसरा टर्म यूज किया जाता है डाई फॉस्फेट. बिसफॉस्फेट का मतलब है फॉस्फेट के टू
groups, they are separated. यहाँ पर है ये राइबुलोस 1,5-bisphosphate means फास्फेट ग्रुप, ये दोनों के दोनों यहां पर सेपरेट है. और इस जगह भी यूज किया जाता है 1,3-bisphosphoglycerate. 1,3 means यहां पर भी ये फास्फेट ग्रुप जो है वो एक कार्बन नंबर 1 पे है और दूसरा कार्बन नंबर 3 पे है. तो इसीलिए बिस्ट्रम वहां यूज किया जाता है जहां पर भी फास्फेट ग्रुप जो है वो सेपरेट होते हैं. लेकिन डाइफास्फेट में 2-फास्फेट है, जिस तरह एडिनोसिन डाइफास्फेट. यहां पर फास्फेट ग्रुप ये दोनों के दोनों ज्वाइंट होंगे. तो डाइफास्फेट टर्म उसी जगह यूज किया जाता है जहां पर फास्फेट ग्रुप्स जो है वो आपस में ज्वाइंट है, और बिसफास्फेट उस जगह यूज किया जाता है जहां पर फास्फेट ग्रुप्स जो है वो सेपरेटेड है, जिस तरह हमने केल्विन साइकिल में यहां पर ये यूज किया है.